मैक्सिम एंड हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली की ओर से वीवो हेल्थ केयर पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के सेमिनार हॉल में डॉक्टर नोमानी की शिक्षा जगत में योगदान पर सेमिनार का आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर अजीत कुमार चौधरी, विभागाध्यक्ष पैथोलॉजी दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल एवं मुख्य अतिथि श्री दिलीप चौधरी, सदस्य बिहार विधान परिषद पटना ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में असीम जाफर गजाली, कार्यकारी निर्देशक मधुबनी मेडिकल कॉलेज अस्पताल, प्रोफेसर विद्यानाथ झा, प्रधानाचार्य MLSM महाविद्यालय, डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्ला, प्रधानाचार्य कुंवर सिंह महाविद्यालय, प्रोफेसर विजय मिश्रा, प्रधानाचार्य मिल्लत महाविद्यालय, डॉक्टर अहमद नसीम आरजू, निर्देशक अल हिलाल अस्पताल एवं मोहम्मद उमर अली खान, निदेशक एंजल हाई स्कूल शामिल हुए। संचालन निदेशक शहीद अहतर ने करते हुए डॉक्टर MZM नोमानी की पूरी जीवनी पर विस्तार से चर्चा की। सेमिनार में बड़ी संख्या में लोगों के अलावा वीवो के छात्र छात्राएं शामिल हुए। राजनीति विज्ञान विभाग मिल्लत महाविद्यालय के युवा प्रोफेसर जमशेद आलम ने धन्यवाद ज्ञापन किया। नोमानी साहब शिक्षाविद थे, कुशल प्रशासक थे, समाज में जाने माने एक चेहरा थे। ना वो लोग उनको कहते हैं कि मुसलमान थे, मुसलमान नहीं थे, समाज के प्रत्येक लोगों के साथ जो उनका जुड़ाव था और पारिवारिक संबंध था। हमारे पिताजी सुरेंद्र लांबर चौधरी जी से और हम लोगों से तो काफ़ी ही घनिष्ठता थी और बचपन में उनके गोदी में खेले हैं। कोई बात होती है कि कोई आदमी ऊपर की सीढ़ी पर जाता है, कुछ तो खास बात जरूर होती है। फिर उन्होंने परत दर परत खोलते हुए बहुत सारी बातें मुझे बताई कि किस प्रकार से वैशाली जिले में, अभी का जो वैशाली जिला है, उनका जन्म स्थान था हाजीपुर से, उन्होंने उनका मेट्रिकुलेशन वगैरह किया, फिर वो करते करते पटना यूनिवर्सिटी और फिर दरभंगा आए और दरभंगा में उनकी जिंदगी उन्होंने बिताई। मुझे याद है कि एक बार किसी कारण से मेरे मोहल्ले में वो आए थे और खोज करके, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको जन्नत अल फिरदौस में आला से आला मुकाम दे। जहाँ तक MZH नोमानी साहब की शख्सियत का बात किया जाता है, तो सबसे पहले जब मैं 1996 में लेक्चर बना तो तहरी कॉलेज में ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद जब वहाँ गया तो जाहिर सी बात है नया नया लेक्चर बना था, ताई वाई पहन करके साफ सुथरा कपड़ा पहन करके जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर एक साहब गीता प्रसाद चौधरी, दिलीप चौधरी साहब जानते हैं उनको, वो बहेली से पहले ही एक गाँव है प्रभारी वहाँ के हैं, उन्होंने कहा कि एक बात पूछे आप नोमानी साहब के फैमिली में से हैं। हमने कहा कि आपने ये कैसे पहचान लिया, कि ये जो ताई है वो बहेली कॉलेज में कोई नहीं लगाया है और आप लगा करते आए हैं, इसे साबित होता है कि आप दरभंगा के उसी फैमिली से। MZH नोमानी जिनका पूरा नाम डॉक्टर मोहम्मद जावेद नोमानी थे, जो मिथिला के एक बहुत बड़े शिक्षाविद के रूप में जाने जाते थे और जिन्होंने मिल्लत कॉलेज में जो प्रिंसिपल ज्वाइन किया था, बाद में एज ए टीचर ज्वाइन किया, बाद में प्रिंसिपल बने और फिर एग्जामिनेशन कंट्रोल यूनिवर्सिटी बने, जिनको राष्ट्रपति क्या नायक ने जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी दिल्ली का सिंडिकेट का मेंबर बनाया था और संस्कृत यूनिवर्सिटी के वो सिंडिकेट के मेंबर बनाए गए, मिथिला यूनिवर्सिटी सिंडिकेट के मेंबर बनाए गए और दरभंगा में जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जैसे सभी मुस्लिम हाई स्कूल, ट्रेनिंग कॉलेज, इन सब जगह भी कोर कमेटी के वो मेंबर बनाए गए। उनकी फैमिली में जहाँ तक अभी भी मुझे याद है कि MLSM कॉलेज के अंदर उनके दो दो भाई प्रोफेसर हैं, उनकी एक बहन प्रोफेसर है, उनकी वाइफ प्रोफेसर थी, उनके दामाद अभी जो है LK मिश्रा BEd कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, तो ऐसा लगता है कि पूरी फैमिली में सिर्फ प्रोफेसर ही है जहाँ से एजुकेशन निकलता है।